दोस्तों आज मैं आया हूँ रौनक भाई के सेटअप पे। एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाई है इन्होंने बजीस पेरोट की, तो वहाँ पे आज स्टिक वगैरह लगानी है और कुछ बजीस के जोड़े भी छोड़ने हैं। तो बात करते हैं रौनक भाई से। मैं रौनक जोधपुर से ही हूँ। मैं यूट्यूब पे इनका चैनल देख रहा था बर्ड्स बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन बारे में, तो मैंने इनका चैनल विजिट किया। मैं इनकी सारी वीडियो देखी बर्ड्स कॉक्टर के बारे में है, तो मुझे चैनल बहुत अच्छा लगा इनसे। तो मैंने इनको कमेंट किया, फिर इनको मुझे अपने नंबर दिए, फिर मैंने इनको फ़ोन किया था कि मेरे सेटअप का वो आके चेक करो क्या है, मड़की लगानी है, स्टिक लगानी है और क्या सब सेट करना है। तो मेरे पास भैया आए आज नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं ये। हालांकि नॉलेज पूरी है इनको बजीस पैरट के बारे में, बजीस पैरट ये रख रहे हैं, ब्रीड भी ले रहे हैं और मेरे साथ कांटेक्ट में हैं काफ़ी। मैं अच्छे से इनको गाइड भी करता हूं जहां जहां ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने आज मुझे बुलाया था, तो आज मैं आया हूं सेटअप पे और स्टिक वगैरह जो भी है वो लगाएंगे और बजीस पैरट के कुछ पैर हैं तो वो भी छोड़ेंगे। और आगे चल के आपको इनके सेटअप में कॉकटेल, लव बर्ड्स और जावास, फिंचेस सभी तरह के बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए पहले स्टिक लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और बर्ड्स को छोड़ते हैं। फ्रेंड्स, ये कॉलोनी का बाहर का व्यू है, देख सकते हैं आप। एक ये कॉलोनी है भाई ने बनाई है, यहाँ पर बाहर से कवर कर दिया है क्योंकि टॉप फ्लोर पर है तो काफ़ी सर्दी रहती है, ठंडी हवाएँ चलती है। तो एक पोर्शन ये है पूरा और एक ये यहाँ पर सामने से ही एंट्री है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। स्टिक वगैरह सभी लगा दी है हम लोगों ने, तो अभी देखते हैं। ये है, यहाँ पे सेपरेट केज रखेंगे भाई। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो साइज़ है वो है 8x9, 8x9 की है ये। अभी यहाँ पे केजेस पड़े हैं जिनसे अभी बजीस निकाल लिए हमने, खाली कर दिए ये केज तीनों ही। यहाँ पे दो पैर अभी भी हैं अंदर, जिनके बच्चे थे उनको यहीं पे छोड़ दिया है और बाकी जो पैर हैं वो अभी आपको अंदर चलते हैं। खोलिए गेट भाई, से गेट खुलवाते हैं इनसे ही। चलिए चलते हैं अंदर। ये है बजीस की कॉलोनी, स्टिक लगा दिए हमने, आप देख सकते हैं ये स्टिक है, एक यहाँ पे, दो सामने और ये यहाँ पे। और कुछ बजीस के पैर छोड़ते केज से निकालते समय बाहर आ गए थे, जो अभी आपको दिखाते हैं। सात पैर जो हैं ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, ये देखिए आप। इस कॉलोनी का जो साइज़ है वो 10x8.5 का है। इसकी जो गहराई है वो 10 फीट है और चौड़ाई है वो भी 10 फीट है। ऊंचाई जो हाइट है इसकी वो 8.5 फीट है। ऊपर वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं, अभी सर्दी के हिसाब से इनको फाइबर सीट से बंद कर दिया है भाई ने। गर्मी जब आएगी तो यहाँ पे वो ऊपर जो है फ्लाईवुड लगा देंगे, क्योंकि ऊपर टिन की चद्दर है, छत जो है वो टिन सेट की है, तो गर्म रहेगी गर्मी में। तो तब ये यहाँ पे वो लगा देंगे प्लाईवुड की, तो जिससे काफ़ी हद तक बर्ड जो हैं गर्मी से बचे रहेंगे और ऊपर वो थर्माकोल की सीट्स वगैरह से काफ़ी अच्छे से कवर कर देंगे। तो चलिए अभी कुछ बजीस ये निकाल लिए हैं। ये लगभग 20 पैर हैं। ये 20 पैर हैं और इनकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है। साइज़ इनका बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ है, आप वो देख सकते हैं। कलर भी देख सकते हैं, सभी तरह के कलर हैं, ब्लू, ग्रीन, वाइट और पाइड में भी काफ़ी सारे हैं, कुछ रेड आइस के पीस भी है। तो चलिए भाई से ही अब इनको छोड़वाते हैं केज में। लीजिए केज हाथ में और आ जाइए इस साइड में, आइए छोड़िए इनको। छोटे केज में रहे हैं तो अभी बड़े केज में आए हैं, बड़ी कॉलोनी मिली है, बहुत बड़ा स्पेस इनको उड़ने के लिए मिला है, तो थोड़ा उड़ नहीं पा रहे हैं।
ये देख सकते हैं कुछ बर्ड्स जो हैं नीचे आ गए हैं, क्योंकि अभी इनको उड़ना नहीं आया, एकदम से बड़ा स्पेस मिला है तो ये सेट हो जाएंगे, धीरे धीरे उड़ना आ जाएगा इनको। एकदम से छोटी जगह से बड़ी जगह पे ये आए हैं। आराम से निकालो, क्या वो आ जाएंगे। छोटा साइज में आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन साइज़ के बर्ड्स हैं इनके पास। ये आप वो साइज़ देख सकते हैं इसका मेरे हाथों में। भाई सेटअप को आगे और बढ़ाना चाहते हैं, आगे चलकर ये कॉकटेल लवबर्ड्स और फिंचेस जावा वगैरह सभी इनके सेटअप में देखने को मिलेगी आपको। तो अभी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट अपडेट आपको देंगे जब यहाँ पर मटकिया सेट करेंगे और प्रोग्रेस भी आपको दिखाएंगे कि कितनी जल्दी प्रोग्रेस होती है। तो फ्रेंड इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ।